दर्शकों ब्रेक तो बाद सब जिया कहते हैं। सो चौथे सैगमेंट के आप गलबात कर जा रहे हैं सरदार हरभजन सिंह बैंस जी और जीवन बारे जड़े कि सानू सद्दी वीर विछोड़ा दे गए ने अज जड़े कि बड़े ही पंजाबी दे प्रसिद्ध शायर सन अरे और नाल ही मौजूदा जो संघर्ष नाल जुड़े हुए सन। सो वो सिएटल निवासी सन। सो असी उन्होंने याद में यह जो समुचा जोड़ा प्रोग्राम है वह कर रहे हैं। सो हूँ आप डॉक्टर साहब उन्होंने जबानी जानते हैं और नाल ही आप रूहानी विचार भी तुम्हारे शेयर कर जा रहे हैं। सो असं चाहवे कि इसी तरह ही बने रहना देखने सुन लिये तुहाडा सब का बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो इंसान जो भी दुनिया च आया उन्हें जाने जी हर रूहानियत यकीन रखन वाला इंसान किसी भी मजहब किसी भी फलसफे का कायल होए वो ये मानता है कि मौत अटल है अल्टीमेट ट्रूथ है और असी सिख फेथ के विच कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए इस दे उत्ते पूरा निश्चय रखते हैं। दूसरा आस्पैक्ट जिहड़ा बंदा दुनिया दे विच आंदा है रब वालों वो वड्याया हुंदा है वो दात हुंदी है बच्चा जां बच्ची और उन्हें जिंदगी च की करना है ये जिंदगी दे अमल जिहड़े ने वो जदों अपने जिंदगी दा सफर पूरा करदा है तो फिर माशरा समाज भाईचारा परिवार वो उस दे उत्ते देखदा है कि भाई इस बंदे दा जां इस बंदी दा जीवन किन्ना सकारथा सी किन्ना कामयाब सी किन्ना जिहड़ा है वो बाकियां लई भी समर्पित सी। कुछ चीज़ां जीवन दियां मुढ़लियां लोड़ां वो तो असीं एनीमल किंगडम च भी देखते हैं बहुत सारियां प्रोसैस साडे च भी उही हुंदियां पर जिन्हां नूं रब विवेक बुद्धि दे विवेक हुंदा है ठीक ते गलत दी पछाण कर सकणा जिन्हां दे अंदर रब इलम और कोई ऐसा शहूर उन्हां दे अंदर होए कि वो आले दुआले दी पीड़ नूं देख के समझ के उस नूं लफ्ज़ां दे विच बयान करन शायर होण अदीब होण कलाकार होण लखारी होण बुलारे होण एक्टिविस्ट होण और फिर उस सारे नूं जो कहंदे ने खुद भी अपने परिवार दे अंदर अपने भाईचारे दे अंदर उस दे एक अलंबरदार होण उन्हों असी सफल जीवन कहंदे और गुरसिखी दे विच जदों असी भाई गुरदास जी दे लफज दोहरांदे कि गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा पिड़ मल्लिया कि दरगाह दे विच सच्ची दरगाह अल्टीमेट ट्रूथ दा रब है उत्थे एक वो थां मिलना और गुरमुख होए जिन्हें जीवन सच हक इंसाफ के रस्ते ते गुरु दियां सिख्यावां दी रोशनी च गुजारिया और अज जदों मैं सरदार हरभजन सिंह बैंस जिहड़े लंबे वक्त तो सिएटल दे विच निवास करदे सन उन्हां दा जिक्र कर रहे हैं तो मेरे सामने पिछले 30-31 साल दा पीरियड एक फिल्म वांग घूम रहा क्योंकि लंबा वक्त वो सिएटल च ही रहे और मेरा ना सिर्फ सिएटल च क्योंकि सिएटल एक बेस पंथ प्रत सिखां दा खालिस्तान दी लहर नाल संबंधित पर कैनेडा जाण लई सरी जां वैनकूवर जिहड़े साडे वड्डे सेंटर सी 1990 दे शुरुआत तो ही उन्हां दे विच वी मैं कैलिफोर्निया 1988 तो लैके 95 तक रहा और उत्थे जाण लई वी सरी जां वैनकूवर मेरा पड़ा सिएटल ही हुंदा सी पहला फ्लाइट उत्थे जाना उत्थे रुकना और सरदार हरभजन सिंह बैंस का घर मेरा अपना घर से इन्हें सारे साल और उत्थों फिर उन्हों का बेटा कदे वड़े बेटे हरिंदर सिंह जां गगनदीप जां उन्हों तो छोटे उन्होंने मैं छड़न जाना सरी हुण जाहिर है कि सरदार हरभजन सिंह बैंस भी ये परिवार संघर्ष के नाल और जदों असी खालिस्तान कमांडो फोर्स के पहले जनरल मनवीर सिंह चहिड़ू की गल करते हैं जिन्हां दा पंथक सफा च नां जनरल हरी सिंह खालिस्तान दे ऐलाननामे च भी आया सर हरभजन सिंह बैंस उन्हां दे सके मामा जी सन और उन्हां दे माता जी यानी बैंस साहब दे भैण जी सुरजीत कौर जिन्हां दी कुख चों मनवीर सिंह चहिड़ू वर्गा योधा पैदा होया उन्हां दे नाल भी मेरी पहली मुलाकात 1991-92 दे पीरियड च बैंस साहब दे घर ही हुई और अक्सर
क्योंकि सिएटल भी आना जाना सी, कैनेडा भी सी। सो इस घर की मेहमान नवाजी, बच्चों की भी, इन्हों बीबिया की भी और बीजी भी, माता जी उन्होंने, वो मैं माणी हुई है। सो इस सारे दे नाल क्योंकि ये जुझारू परिवार सी और बैंस साहब जिन्हों का अपना करियर एकेडेमिक सी, टीचर सन, जबान दे उत्ते पूरा आमूर सी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और शायर सन। और उन्हों की शायरी का कमाल यह रहा, जो मैं समझदा भी जिमें हर स्ट्रगल दी, जिमें जे असी 1920s दी या दूसरे की गल करिए, जदों भगत सिंह या दूसरों का, तो एक लिखा एक मुसलमान वीर ने सी, लेकिन वो अज तक भी कोट होंगे कि जी योधे पढ़ते सी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। हुण ये जड़े ने कितों की चलिया, वो दियां एक आइडियल स्टेटमेंट्स बन जांदियां ने उस दौर दियां। सो बैंस साहब की कलम करंट स्ट्रगल दे उत्ते चली, खुद भी उन्होंने रावी पार बैठ के जड़ा अपना चिंतन भी किया, और उन्हां दियां 6 पुस्तक जिहड़े अज ही उन्हां दे बेटे हरिंदर सिंह जिन्हां नाल मेरा संपर्क होया, मैं अफसोस के लफज भी कहे, और जड़ियाँ पुस्तक उन्हां दियां सराहियां गईयां, जिन्हों अवार्ड मिले लोगों के दिलों, सरकारां दे सरकारे दरबारे सरकारी शायर होर हुंदे ने, और उन्हां दे विच तजी मेघले तासीर, कली ना कलम समझो कि कलम कदे कली नहीं हुंदी, कलम दी ताकत जिहड़ी आ बड़ियां बड़ियां पातशाहियां नूं तराशाही कर दिंदी है। जिंदगी बिलप करे, जिंदगी दी पीड़ तकलीफ जिहड़े असी सारे ही लंघदे हैं, परिवारक भी, आर्थिक भी, समाजक भी, अणचाही पीड़ भी, मकतल अंदर रहम विचार। हुण जदों तुहानूं, जदों असी मकतल दी गल करदे हां, और दर्शक इन द मीन टाइम स्क्रीन ते शॉर्ट्स देख रहे ने उन्हां दियां यादां नाल जुड़े हुए, हुण मकतल जिहड़ा है वो है जिथे तुहानूं सूली देनी दित्ती जानी है, जिथे तुहानूं कतल किया जाना है, और मकतल दे अंदर भी किथे रहम दी कोई गल कर सकदा है, पर उन्हां दी कलम जिहड़ी चल रही है, मकतल अंदर रहम विचार मिट्टी दी डली। हुण इह इक उन्हां दी होर इह किताबां दे नां ने जिहड़ियां किताबां उन्हां ने, इस किताबां च बहुत सारियां नज़मां ने। हुण मिट्टी है, असी मिट्टी चो आए हैं, मिट्टी च ही चले जाना है, पर मिट्टी दी डली ही जिंदगी नूं डिफाइन करदी है। ते अंतर नाद, एक लफज बाहर है, एक तुहाडा अंदर दा नाद है, जदों तुसीं अपने असल दे रूबरू हुंदे हो ते फिर वो नाद तुहानूं की सुणांदा है, ये उन्हां दे नज़मां दे मजमूए ने, और वो उन्होंने पूरी उम्र भोगी, लगभग 91 साल उन्हां दी उम्र सी, पिछली रात जिहड़ा वो हॉस्पिटल ले जाए गए, हार्ट अटैक्स जिन्हों आम कहा जाता है, उपरों थली 3-4 हैल्थी रहे। लास्ट टाइम सिएटल दी सिख डे पैरेड के मौके मिले बड़े प्यार दे नाल, हालां पिछले कुछ सालों तो वो अल्जाइमर का शिकार सन, डिमेंशिया जिहदे लई आम कॉमन टर्म यूज की जाती है, और उहदे च तुहाडी पास्ट मैमरी तो इंटैक्ट हुंदी है, पर उवें ही सोहणे सजे, सोहणी दस्तार, चिट्टे कपड़े। और जदों मैं अज वीर हरिंदर सिंह होरां नाल अफसोस दे लफज कह रहा सी, तो मैं उन्होंने कहा कि जी आफरीन तुहाडे सारे परिवार ते, बी जी पिछले साल एक साल पहला, और अज ही मैं उन्होंने कह रहा सी कि भी आलमोस्ट इसे महीने जुलाई दे माता जी गए, तो मैं क्या बुढ़ापे च जिहड़ा जीवन साथ हुंदा है ये फिर बहुती देर नहीं इंतजार कर दे, और क्योंकि एक ठीक है इस जनरेशन च साढ़े वाग वो जिहड़ी अज दी जनरेशन है, लव यू मुड़ के पता हुंदा भी डाइवोर्स फाइल किया है, पर इन्हां दे विच कोई रूहानी सांझां वालियां एक ये सारियां जोड़ियां ने, जिन्हां दे अंदर एक दूजे नाल कोई यह भी नहीं लगता कि भाई तुहानूं वह लग रहा हो कि भी बहुत वो रोज़ाना गुफ्तगू कर रहे, लेकिन एक वो एहसास जिहड़ा सांझां दा वो चला गया। सो बैंस साहब सानू विछोड़ा दे गए, लफज मेरे को नहीं ने, मैं जिमें कहा कि भी ये 31 साल एक फिल्म वांग मेरे मन दियां नज़रां सामने गुजरे ने, और चला जाना हर एक ने, पर मैं इस एक जिमें साड़ी अरदास हुंदी है, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सजन असी सड़ियाँ
जो होवे साहिब सुमेल सतगुरु रहमत करन उना नू अपने चरना च निवास देन फुल जिंदगी जीवी है और उना दे अगों बच्चे बच्चियां वो भी पंथक रात है ने गुरु नू प्यार कर देने पंथ नू प्यार कर देने। पर मैं सेगमेंट क्लोज करन तो पहला जिवें मैं कहा कि भी एक उना दी जेड़ी क्लासिक नजम जिनू होर भी स्ट्रेंथ पंथक हल्कियां च दित्ती साडे मित्र डॉक्टर रणजीत सिंह होर ने क्योंकि वह हर इकट्ठ दे विच जदों हरभजन सिंह बैंस होर दा नाम लैके कि जी ये नज़म उन्हां दी है मैं गा रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अख ऐसी उस इकट्ठ च हुंदी है जिहड़ी अथरुआं दे नाल तरना होए और ये नज़म जिहड़ी कि एक उस मुटियार की कहानी है जिस दा पति पर जवानी दे विच सिख संघर्ष खालिस्तान नाल जुड़ी हुई कहानी कि पर जवानी च उस दे जीवन साथी नूं पुलिस झूठे पुलिस मुकाबले दे विच मार मुकाया जांदा है, वो शहादत पांदा है, बच्चा छोटा है उसका, लेकिन वो जदों बच्चा भी ग्रो हो रहा है और वो बीबी जिस नूं अजे वो क्योंकि अणपछाती लाश बनाया होया है पता नहीं है कित्थे की होया है और उसकी दास्तान है मैं गा तो नहीं सकता जो डॉक्टर रणजीत सिंह और नाल हुंदा है तो मैं जरूर उन्होंने भी सद लैंदा लेकिन और ये नज़म है कि भी उस बीबी दे मन की विथ्या है जिसका जीवन साथी संघर्ष के राह पिया किते पुल ते किते रोइयां च किते कैनाल दे विच अणपछाती लाश बना दिता होएगा पर उस बीबी दे ये जज्बात ने कई चेत गुजरे ते सावण भी आए ये दिल नहीं खलोया तेरे जान मगरों तू आवें ता नहरां चुराया ने दसने के की है होया तेरे जान मगरों ये गलियां ने रोईयां ये कंधां भी रोईयां ते थड़ियां दी रौनक नू डस गई उदासी ये दिल जो रहा है सदा गुण गुणाउंदा सुबह शाम रोया तेरे जान मगरों ओ रुत्तां ना मुड़ियां ओ मौसम ना परते ते बागां च सुनदे ने नगमे उदासे सुरां ने भी मेरे ना पोटे पछाणे जदों साज छोया तेरे जान मगरों तेरी पैड़ सुंघदे ने गदरे ते सावे ते सुक गए बरोटे तेरी दीद बाजों ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਵੇ ਅਤੇ ਗਦਰੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ ਗਦਰੇ ਅਤੇ ਸਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਬਰੋਟੇ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਬਾਜੋਂ ਹੈ ਨੱਚਦੀ ਚੁਫੇਰੇ ਸਦਾ ਮੌਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਖਲੋਇਆ तेरे जान मगरों हकूमतां की कर दियां ने ए अमना दे राखे ए लोकां दे मोढ़ी बड़ा नाज करदे ने दे दे तसीहे ए अमना दे राखे ए लोकां दे मोढ़ी बड़ा नाज करदे ने दे दे तसीहे है चुन चुन के मारी बेदोशी जवानी ते कंजकां नू कोए तेरे जान मगरों है माता विचारी ता मंजी नू लग गई है माता विचारी ता मंजी नू लग गई ते भैणा भरावां ने लै ने हौके मैं बापू विचारे दा की हाल आखां ना ज्योंदा ना मोया तेरे जान मगरों ते अखीरला जिहड़ा जुमला है ये डिफाइन स्पिरिट है किते ये ना लगे कि सब वैराग अफसोस है खुशी है तेरा लाल तेरे ही वांगू है हक ते न्या लई बेचैन होया खुशी है तेरा लाल तेरे ही वांगू है हक ते न्या लई बेचैन होया एक कौमी अमानत तुरी कौम खातर मैं घर नहीं लकोया तेरे जान मंगर
चेत गुजरे ते सावन भी आए ते दिल नहीं खलोया तेरे जान मगरों आवे ते नहरा चुराहियां दसने की है होया तेरे जान मगरों गई उदासी ए दिल जो रिहा है सदा गुन गुनाउंदा सुबह शाम रोया तेरे जान मगरों आवे नहरा चुराहियां दसने की है होया तेरे जान मगरों सुन देने नगमे उदासे सुराने भी मेरे न पोटे पछाने जदों साज छोहया तेरे जान मगरों आवे नहरा चुराहियां दसने की है होया तेरे जान मगरों गए परोटे तेरी दीद बाजो है नचदी चुफेरे सदा मौत अजकल है जीवन खलोया तेरे जान मगरों आवे नहरा चुराहियां दसने की है होया तेरे जान मगरों चुन चुन के मारी बेदोशी जवानी ते कंजकां कोहे है तेरे जान मगरों आवे नहरा चुराहियां दसने की है होया तेरे जान मगरों।
बिचारी तमंजी नू लग गई पैणा परावाले रे गे ने होके मैं बापू बिचारे दकी हाले आखां न ज्यौंदा न मोया तेरे जान मगरों आवे नहरा चुराहियां दसने की है होया तेरे जान मगरों खुशी है तेरा लाल तेरे ही वांगू हक ते न्याली है बेचैन होया कौमी अमानत तुरी कौम खाते मैं कर नहीं लगोया तेरे जान मगरों मैं कर नहीं लगोया तेरे जान मगरों मैं कर नहीं लगोया तेरे जान मगरों मैं कर नहीं लगोया तेरे ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਰਸ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sosrtv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ 84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ